नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिम तक पर। तो आज हम आपके लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी भरी जानी थी उसको लेकर। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वैकेंसी जो है वो कब भरी जाएंगी, तो पूरी जानकारी हम आज आपके लेकर आए। लास्ट तक देखिए, अगर आपका कुछ सवाल है तो आप हमसे वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो वैकेंसी भरी जानी थी उसको लेकर हमने अभी आपको दो से तीन दिन पहले जानकारी दी थी कि जो वैकेंसी भरी जानी थी इसको लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और पूछा था कि जो वैकेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट में जो खाली पड़ी है ना, स्टाफ नर्स की हो या डॉक्टर की हो, तो उनको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो फिर सरकार ने कहा था कि अभी जो इसमें कुछ आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि संशोधन होना था ये प्रमोशन के लिए, और इसके चलते फिर ये जो वैकेंसी थी आज तक यहाँ तक पहुँचे नहीं, तो ये नवंबर दिसंबर में ही भरी जानी थी। फिर सरकार ने कहा था कि ये जो वैकेंसी इनको भरने के लिए हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है, अब जो आचार संहिता के चलते हम इनको ओपन नहीं कर सके, परमिशन नहीं दे सकते इनको भरने की, जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। तो चुनाव आयोग को फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 दिन के भीतर आप इन पदों को भरने के लिए परमिशन दीजिए। और आज दो दिन के बाद, जब आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में दो दिन पहले, तो आज दो दिन के बाद इन पदों को भरने के लिए जो अनुमति है चुनाव आयोग की वो मिल गई है। अब पूरी जो जानकारी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये पोस्टें भरी जाएंगी, और साथ साथ में बताएंगे कि पोस्टें कौन सी होगी, डॉक्टर की कितनी, नर्स की कितनी है, आपका रिटर्न कब होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी जानकारी वो भी हम आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्टर और स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने दी मंजूरी, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि क्या हुआ था और किस प्रकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने हिमाचल में डॉक्टर और नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 10 दिन के भीतर नर्सों के 714 खाली पदों को भरने के लिए मंजूरी के निर्देश दिए थे। इसके चलते आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को पदों को भरने की हरी झंडी दे दी है। आईएमसी में सीनियर व जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 100 से ज़्यादा जो अधिक पद है ये खाली पड़े हुए हैं, इनको भरा जाएगा। मेडिसिन, सर्जरी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के अलावा अन्य विभागों में पद भरे जाएंगे। तो ये जानकारी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही थी, तो इस प्रकार से ये पद भरे जाने थे और डॉक्टरों के जो खाली पद ये भरे जाने थे। और इसके साथ साथ जो ये डॉक्टरों के खाली पद है इसके कारण जो विभागों को ओपीडी चलाना मुश्किल हो रहा था, इसी तरह नर्सों के पदों को भी भरने को ना भरे जाने से अस्पताल प्रभावित हो रहा था, और अब इनको भरने के लिए परमिशन दे दिए। तो आईजीएमसी के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर रविचंद प्रधानाचार्य डॉक्टर रविचंद्र शर्मा, इन्होंने कहा था कि साक्षात्कार के लिए निर्देश जारी हुए हैं, अब प्रबंधन साक्षात्कार को लेकर एक तारीख तय करेगा, जिसके बाद डॉक्टर व स्टाफ नर्सों के साक्षात्कार इंटरव्यू लिए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमाने का कि चुनाव आयोग ने नर्सों के रिक्त पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। तो कौन से पद है, कैसे भरे जाएंगे, पूरी स्क्रीन पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिस दिन भी ये पोस्टें भरी जाएंगी उससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, एक विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी होगी, उस दिन हम आपको बता देंगे। पहला आइकन घंटी आती है, सब्सक्राइब करने के बाद हिम तक इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी उसको आप दबाइएगा। जैसे ही ये स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी भरी जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आपको इस चैनल पर देंगे। तो उस दिन आप अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे अपने रिज्यूम भेजना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है या डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, तो पूरी जानकारी हम आपको उसी दिन बता देंगे। अभी तक ये डे जो दिन था ये निर्धारित नहीं किया गया कि इंटरव्यू आपके कब होगे, ये कन्फर्म है कि आपका इंटरव्यू होगा सिर्फ, और साक्षात्कार हो गया आपका, और इसमें कोई लंबी प्रोसीजर इसमें लंबा प्रोसीजर नहीं चलेगा। अगर लंबी भर्ती को खींचना होता तो हो सकता था कि आपके जो ये सिलेक्शन होना है, आपको जो डॉक्टर और स्टाफ नर्स की जो ये भर्ती होनी है इसके लिए इलेक्शन का इंतज़ार करते, परंतु आप ये समझ सकते कि अभी जो हालत है स्वास्थ्य को लेकर उनके चलते अभी जो एमरजेंसी में ये पोस्टें भरनी पड़ रही है, तो इसके लिए अभी डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया। और पूरी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे जैसे इसको भरने के लिए जानकारी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।